गाइस, मैं हूँ, ये मेरा बर्थडे है, बड़ी न्यू गाइस है, ये मेरे दोस्त है, एक मेरा भाई है। टैडी की मुंडी चला गई है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे भी दिखाना और ये केक भी दिखाना। तो ये देख सकते हैं हम, हमारे पूजा ठाकुर जी का जन्मदिन है आज। बंद 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 ही रखना। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत केक है। बिल्कुल मिस पूजा नहीं खोलना है, पूजा बंद बोल रहा मिस पूजा की तरह। यहाँ देख सकते हैं कैसे ये बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, बहुत ही झूम रहे हैं, नहीं खोलो अभी नहीं खोलो, बहुत ही एक्साइटेड है, हाथ आंख में लगाए हैं पर आंखें बंद नहीं की है। और ये देख सकते हैं साथियों, ये अनु, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे पूजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसा लगा? बहुत ये सबसे स्पेशल सरप्राइज मेरी बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्टी, माय जान, मेरे सुख दुख की जो साथी है अनु जी ने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनु आपका। प्रभु आपको समृद्धि दे, सुख दे, सब कुछ दे जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। ये मेरा ऐसा दोस्त है जो मुझे दिन रात डेली झेलते रहता है। प्रभु हमारी दोस्ती को इसी तरह जीवन भर बनाए रखे। गाइस, तो ये जल रही है मेरे बर्थडे की कैंडल्स। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पूजा ठाकुर साहब ने इधर शुरू कर दिया ये अनु जला रही है कैंडल। प्रीति चौहान कॉलेज Happy birthday dear Pooja, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, इधर देखो। अब आ रहे, अब आ रहे, आ ही गए साथ। अनु आप थोड़ा सा को जाओ, इस आप को जाओ, आप मुझे बस फोन कर दोस्तों। तो मैं थोड़े से कुछ अपने शेयर करती हूँ आपको अपने जीवन के बारे में। तो जो मेरा जीवन है ना, तो मतलब ये है कि मैं अपने जीवन में ना, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ और अपनी मम्मी से भी। तो जो मतलब अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल करके हमें मतलब कि हर एक चीज़, हर एक सुविधा देने की कोशिश की है। तो
हाँ मतलब ये है कि हमारा जैसे एक्सपीरियंस जो रहा है ना बचपन से लेकर बड़े होने का, वो बहुत सारे एक्सपीरियंस से होके हम गुजरे हैं, मतलब उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, बैड चीज़ें भी हैं। अब आप उसको अच्छे वे में लेते हो कि नेगेटिव वे में लेते हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको। तो गाइस हम खा पी रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे, आप देख सकते हैं अनु के खाने की रफ्तार। तो अब अनु शेक पी रहे थे, और सचिन को तो आप देख ही सकते हैं, ये है मेरा प्यारा भैया जो इस तरह से कुछ खा रहा है। अब आप देख सकते हैं मैं इनके साथ वार्तालाप कर रही हूँ, और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। वैसे तो मैं ये ब्लॉग बहुत लेट डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं लगा एडिट करने का। तो आप देख सकते हैं कि मतलब एक मोमेंट होता है ना, मतलब मेमोरीज होती है कि भाई जो पुरानी चीज़ें हुई है, मतलब ये अब मेरे लिए ऐसा था कि भाई ये बहुत लेट इसको एडिट कर रही हूँ, तो मतलब जैसे आप समझ सकते हैं कि भाई वो भाव एक होता है ना कि आपकी भावना कि यार नहीं हमने उस वक्त ऐसा किया था, इस तरह से सेलिब्रेट किया था, वो सारी चीज़ें ना मुझे इस ब्लॉग को एडिट करते हुए लग रहा था। क्योंकि हम देखो ज़िंदगी का ना कोई पता नहीं होता कि कब कौन रहे ना रहे, पर जो ऐसे चीज़ होते हैं ना, हर एक मोमेंट को ना, हर ज़िंदगी में हर एक पल को ना इन्जॉय करना चाहिए। हमें नहीं पता कि हमारे साथ हाँ कल हम होंगे नहीं होंगे, पर ये है मुझे लगता है बाय पर्सनली भी कि हमें ना हर एक मोमेंट को अच्छे से इन्जॉय करना चाहिए, सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, तो जो भी है ना अच्छे से ज़िंदगी व्यतीत करनी चाहिए, ताकि हमें अच्छा लगे कि भाई हम देखो जैसे बोलते भी 4 दिन की ज़िंदगी है, तो मतलब कि हमें सबके साथ चाहे हमारी फैमिली हो फ्रेंड्स हो, मतलब सब चीज़ की वैल्यू समझनी चाहिए हर एक चीज़ की। तो मतलब कि हमारी ज़िंदगी का जो एक खूबसूरत सा पल होता है ना, जैसे हम देखो जब छोटे होते हैं तो पेरेंट्स का ज़्यादा महत्व होता है, फिर हम और बड़े होते हैं, फिर हमारे फ्रेंड्स, फिर हमारे और जो लोग होते हैं। गाइस ये मैं हूँ, ये मेरा बर्थडे है, बड़ी मेरी गाइस है, ये मेरे दोस्त है, एक मेरा भाई है। तो गाइस ये देख सकते हैं कि बल्ली लगती हुई इसको ऐसे करके तुम फोटो ले, इनके पूजा दीदी की टैडी की मुंडी चला गई है, देख सकते हैं। हैप्पी बर्थडे टू मी, और ये देख सकते हैं हमारा पिज्जा वगैरह।